बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल हॉट फ्लेम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोरमा देगी स्टाइल में, जो बहुत झटपट बन जाता है और बहुत मज़े का भी लगता है। तो चलें, सबसे पहले इसमें डलने वाली आप ज़रा तमाम चीज़ें नोट कर लें। तो चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है 1 kg, और इसको मैंने कोरमा कट ही करवाया इसका। उसके बाद मैंने लिए हैं प्याज तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के, और इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से स्लाइसेस में इस तरह से काट लिया है। उसके अलावा ये बाकी तमाम इसमें जो सीजनिंग जाएगी और लहसुन अदरक वगैरह ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। तो इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी मैं आपको कुकिंग के दौरान साथ साथ बता दूँगी। तो चलें हम कुकिंग स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन किया, ऊपर रखा अपना हमने देगचा के जिसमें हमने कढ़ाई जिसमें हम चिकन कोरमा बनाएंगे, और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेसिपी है ये घी में ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अच्छा, इसमें 1 कप घी डालने के बाद ये जो मैंने पतले पतले बारीक बारीक से अनियन काट के रखे थे ये सारे मैं इसमें डाल दूंगी, और इसको मीडियम टू स्लो हीट पर जो ये जो प्याज हैं इनको हम फ्राई करेंगे। साथ साथ हम चम्मच चलाते जाएंगे और इन प्याज़ों को हम हल्का हल्का गोल्डन होने तक पकाएंगे। प्याज इस स्टेज पर हमने बहुत अच्छे से फ्राई करने हैं। जितने अच्छे हमारे ये प्याज फ्राई होंगे उतना ही अच्छा कोरमा बनकर तैयार होगा। प्याज़ों को फ्राई करते वक्त आपने जल्दबाजी में इनका जो फ्लेम है वो हाई बिल्कुल नहीं करना। मीडियम टू स्लो हीट पर आपने इनको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होने देना है, फिर ही इनका टेस्ट और कलर ज़्यादा अच्छा आएगा। और जो मेरे नियर व्यूअर्स हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे तकरीबन 15 मिनट लगे हैं प्याज़ों को इस कलर तक लाने के लिए। आपने इस स्टेज पर पेशेंस रखना है और फ्लेम को हाई नहीं करना कि हम जल्दी जल्दी प्याज़ों को फ्राई कर लें। प्याज देखें इस कलर के ये गोल्डन गोल्डन से हो चुके हैं। हमने बस इसी स्टेज पर इनको निकाल लेना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना सालन का कलर जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। इनको हम प्याज़ों को अच्छी तरह से ऑयल उसमें से निकाल के इनको किसी टिश्यू पर एब्जॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे इस तरह से, ताकि इनका सारा जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखें तमाम प्याज मैंने निकाल लिए हैं। अब इनको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब मैं ऑयल के अंदर ये साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी, जिसमें कड़ी पत्ता है और दालचीनी के 3 टुकड़े हैं, 1 मोटी इलायची है और 3 हैं इसमें सबसे इलायचियाँ, और लौंग हैं 3 से 4, और थोड़े से इसमें काली मिर्च के दाने हैं। ये सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए स्लो फ्लेम के ऊपर हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे फ्यू सेकेंड के लिए, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 tablespoon अदरक का पिसा हुआ अदरक, और 1 tablespoon ही पिसा हुआ लहसुन। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बस 30 to 40 seconds के लिए आप इसको फ्राई करें इसमें, लेकिन जो फ्लेम है आपका वो आपने मीडियम टू स्लो ही रखना है, उसको हाई पे नहीं लेके जाना। इस तरह से लहसुन की बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर चिकन 1 kg चिकन जो कोरमा कट में ही था वो ऐड कर दूंगी, और अब इसको इस ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, और इस स्टेज पर हम जो फ्लेम है उसको मीडियम टू हाई कर लेंगे। मीडियम टू हाई करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे, और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 1 teaspoon सॉल्ट, और ये डाल के इसको हम बस फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करें, ताकि इसका जो पानी और ब्लड वगैरह है वो सारा अंदर से ड्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, और इसका कलर बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा हो गया है।
तो इसमें से खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है जो इसके अंदर हमने ये साबित गरम मसाले डाले। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो मिर्चें आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। हल्दी है 1/2 टीस्पून, उसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर या पिसा हुआ ज़ीरा, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। और एक टमाटर लिया मैंने, उसको लेकर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसकी पेस्ट बना ली है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये धनिया है मेरे पास पिसा हुआ, ये मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। चलें, इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा भून लेंगे। फिर 2 मिनट के लिए हम इसको इन चीज़ों के साथ भूनेंगे ताकि इन तमाम मसालों का जो टेस्ट है वो इस चिकन के अंदर चला जाए। मसाले और टमाटरों की पेस्ट डालकर मैंने इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 कप दही, और दही डालने के बाद साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी, और इसको तेज़ आंच पर एक बॉयल आने देंगे। उसके बाद हम इसको चूल्हे को थोड़ा देर के लिए स्लो कर देंगे। जैसे ही इसके अंदर बॉयल्स आना शुरू हो जाएंगे हम फ्लेम को कर देंगे स्लो पर, और ये प्याज जो हमने फ्राई किए थे उनको ठंडा हो जाने के बाद बिल्कुल 2 चम्मच पानी डालकर हमने उसकी पेस्ट बना ली है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। डाल के इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। ये इस तरह से इसको मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को स्लो पर रखकर इसको करेंगे कवर, और तकरीबन 5 मिनट तक इसको स्लो हीट पर पकने देंगे। चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। अभी इसमें पानी है और चिकन में को भी अभी थोड़ा सा मज़ीद गलने की ज़रूरत है। इस स्टेज के ऊपर इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लिया है जायफल और जावित्री को पीस के उसका पाउडर। ये दोनों चीज़ें 1/2 टीस्पून हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसको भी करेंगे अंदर मिक्स, और इसको मज़ीद 5 to 6 मिनट्स के लिए कवर करके हम पकने देंगे। मज़ीद 5 मिनट तक हमने इसको पका लिया, अब हम चेक करते हैं। ज़बरदस्त, मेरे हिसाब से कोरमा में इतनी ग्रेवी है वो अच्छी लगती है। आप अगर इसको ड्राई करना चाहते हैं तो फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करें और बग़ैर कवर किए हुए 1-2 मिनट तक इसको पकाएं, तो आपका ये जो मसाला है मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। मेरे हिसाब से इतना बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें, फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ, और इसको कवर करके हम 2 मिनट तक पकने देंगे। फिर आपको दिखाते हैं। 2 मिनट तक मैंने इसको कवर करके रखा ऑफ फ्लेम पे, और ये देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसके ऊपर ये ऑयल आ चुका है, कलर आ चुका है। तो इसको अब मैं डिश आउट करती हूँ। तो ये रेडी है बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत जल्दी बन जाने वाला चिकन कोरमा, जो बड़ी आसान रेसिपी से मैंने आपको सिखाया है। एंड पर एक अच्छी बात के साथ कि हर रोज़ सदका किया करें, क्योंकि ये सदका हमें दुनिया में मुसीबतों से और तकलीफ़ों से बचाता है, और आखिरत में भी हमारे लिए ये ढाल बनेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।